आयोजित 132वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर पद्मश्री मनोज जोशी जी, वरिष्ठ अभिनेता और कलाकार, श्री राजेंद्र पाटिल अध्यक्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई, श्री विक्रांत मांजरेकर, श्री सुरेंद्र जगताप यादव जी, उपस्थित सभी कलाकार, युवा कलाकार, कला प्रेमी भाइयों और बहनों, जहांगीर आर्ट गैलरी में आयोजित बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के 132वें वार्षिक कला प्रदर्शनी में उपस्थित रहने का मुझे सौभाग्य हुआ, मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। अनेक कार्यक्रम के बीच में मुझे कला प्रदर्शनी देखना बेहद पसंद है। कलाकारों, चित्रकारों और मूर्तिकारों, अन्य दृश्य कलाकारों की संगति में रहते हुए मुझे अपने परिवार में आए जैसा महसूस होता है। हाल ही में इसी जहांगीर आर्ट गैलरी में मैं कला निर्देशालय का प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आया था। आज एक बार फिर आपके बीच आकर मुझे खुशी हो रही है। बेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप, संगीता जिंदल स्कॉलरशिप तथा संध्या मिश्रा स्कॉलरशिप के विजेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जानकर खुशी हुई कि सोसाइटी की ओर से गवर्नर से अवार्ड भी दिया जाता है, साथ ही गोल्ड मेडल विजेताओं का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ललित कला अकादमी के दिवंगत पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारणे को इस वर्ष का रूप दर्दन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है, इस बात की मुझे सबसे अधिक खुशी हो रही है। डॉक्टर उत्तम पाचारणे एक महान मूर्तिकार और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि वे आज हमारे मध्य मौजूद नहीं है। ईश्वर ने उन्हें समय से पहले ही याद कर लिया। उन्हें सम्मानित करने के लिए हमने रूपधर पुरस्कार की गर्व बढ़ाई है, ऐसा मैं मानता हूं। डॉक्टर पाचारणे जी पुणे में दलित कला अकेडमी का मुख्य केंद्र बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनकी यह इच्छा उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी तथा सभी कला प्रेमियों को आह्वान करूंगा कि हम सब ललित कला अकेडमी का उपकेंद्र बनाकर डॉक्टर पाचारणे जी की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज पुरस्कार स्वीकार करने के लिए उपस्थित दिवंगत डॉक्टर उत्तम पाचारणे के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई ही नहीं अभी जो देश का गौरव है, यह 135 वर्ष की विरासत वाला संस्थान है जिसने देश को 101 जाने माने कलाकार दिए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की कला प्रदर्शनी का बड़ा इतिहास है। इस प्रदर्शनी में भाग लेने देश के विभिन्न राज्यों से कलाकार आते हैं। अपनी कलाकृति इस प्रदर्शनी में लगाना अपने आप के गौरव की बात है। कला शिक्षा स्कूलों में एक सर्वांगीण पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब मैं कला कहता हूं तो इसका अर्थ है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और रंगमंच। दुर्भाग्य से स्कूल और कॉलेज मुख्य विषयों के पक्ष में कला को बहुत कम महत्व दे रहे हैं। कला को शिक्षा के साथ एकीकृत करने से छात्रों को लीक से हटकर सोचने और नए तरीकों से विषयों का पता लगाने में मदद मिलती है। यह छात्रों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का पोषण करता है। यह बच्चों में समस्या समाधान, नवीन सोच और कल्पनाशील कौशल विकसित करने में मदद करता है। कहते हैं कि कोई भी कलाकार अपराधिक नहीं हो सकता, हमेशा उनकी सोच जो होती है वो सकारात्मक होती है। कला शिक्षा में अक्सर सहयोगात्मक परियोजनाएं शामिल होती है जिनके लिए छात्रों को एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर हम काम करने की आवश्यकता होती है।
कला में संलग्न होने से छात्रों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह व्यक्ति को तनाव को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद करता है। दुर्भाग्य से न केवल स्कूल समाज भी दृश्य कला को कम महत्व दे रहा है। आज बहुत कम अखबार कार्टून छापते हैं। अखबार के अनुपूर्वों में ज्यादा कलाकृतियां या चित्र नहीं होती। कला की अज्ञानता वो समाज के स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है जिससे हम कराते हैं। छात्र तनावग्रस्त है, शिक्षक तनावग्रस्त है, माता पिता तनावग्रस्त है, छात्र अधिक हिंसक और बेचैन हो जाते हैं। इसके लिए मोबाइल फोन और अन्य गैजेट्स का बढ़ता उपयोग जिम्मेदार है। हमें तत्काल इस पर एक सियावलोकन की आवश्यकता है। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करूंगा कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को कला शिक्षा से अवगत कराया जाए। उचित रूप से प्रशिक्षित कला शिक्षक होने चाहिए। गणित या इतिहास के शिक्षकों से छात्रों को कला पढ़ाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑनलाइन प्रदर्शनियों की मेजबानी करने और कला प्रशंसा कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमें समाज में अच्छी कला के प्रति रुचि विकसित करनी होगी। मैंने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। एक बार मैं मिजोरम सीमा पर एक छोटे से गांव की यात्रा पर गया। गांव छोटा था लेकिन सबसे खूबसूरत है। गांव के लोग अपने घरों के बाहर की सड़कों की सफाई स्वयं करते हैं। वे अपने घरों के बाहर फूलों की सजावट हमेशा रखते हैं। मुझे लगता है कि हमें महाराष्ट्र के लोगों को अपने ड्राइंग रूम में कम से कम एक कलाकृति रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए हमें कला को किफायती बनाना होगा। जहांगीर आर्ट गैलरी कलाकारों के लिए एक प्रतिष्ठित गैलरी है। हाल ही में एक कलाकार ने मुझसे मुलाकात की और जहांगीर आर्ट गैलरी में अपनी प्रदर्शनी दिखाने के लिए मुझसे मदद मांगी। मैंने उनसे कहा कि जहांगीर गैलरी कई वर्षों के लिए पूरी तरह बुक है, क्या हम यहाँ और अधिक मंजिलें नहीं बना सकते ताकि अधिक कलाकारों को यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगाने का अवसर मिल सके। श्री मित्रों, मेरा मानना है कि भारत विश्व की कला राजधानी है। हमें अतीत की गहराई में जाने और अपनी कला की महिमा को दुनिया के सामने लाने के लिए और अधिक कला इतिहासकारों की आवश्यकता है। हमें आर्ट इंटरप्रेटर्स की भी आवश्यकता है जो आम आदमी को कलाकृतियों का महत्व समझाए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को ऐसी प्रदर्शनियां अन्य देशों में भी आयोजित करनी चाहिए ताकि दुनिया के अधिक से अधिक लोग हमारी कला और विरासत के में जान सके। गांव के लोग भी कलाकार होते हैं। आप देखते होंगे कि हम दीपावली के समय जाते हैं गांव में तो घर की सफाई करके दीवारों में जो कला देखी वो पुकारते हैं। मैं झारखंड में था, वहां की कला की अलग है कि ट्राइबलों की कला अलग है, लेकिन ऐसे कलाकारों को मंच नहीं मिलने के कारण वो छिपे रहते हैं। प्रतिष्ठित और जानकार कलाकारों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जो अननोन है, जो जिसको कोई नहीं जानता, अगर ऐसी कोई एक टीम बना दी जाए जो घूमे गांवों में प्रदेशों में जाए और ऐसे कलाकारों को छांट कर एक मंच देकर उनका कोई सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बार फिर मैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को छात्रवृत्ति के सभी प्राप्तकर्ताओं को बधाई देता हूं और सभी प्रतिभागियों, जूरी सदस्यों और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सदस्यों को भी सराहना करता हूं। मैं प्रदर्शनी की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
This Bombay Art Society's 132nd exhibition. This is a great tradition, and this is going on for 137 years now. Society is founded in 1888, and this exhibition started somewhere around 1889. In between, only 2-3 exhibitions were not there. But this exhibition, if you take, you know, look back at the history, you know, right from the beginning, there were artists like Trindath, Bhosle, Ahivasi. Then if you come down, there were, you know, Amrita Shergill, S.S. Raja, Jatin Das, Akbar Padamsi, Prabhakar Kolte. All these, you know, great stalwarts today in the art world who are making waves at the international art circuit in the auction houses. In their formative years, they were also part of Bombay Art Society's this exhibition. And this exhibition is a testimony, because the artworks which are selected by the jury are experts themselves. So this is a very different kind of show, where you select only 225 artworks from 3000 artworks received from all over India. Aur ye exhibition ki is saal ki khasiyat, ya to pichle 4 saal se ye hame notice mein aaya hai ki is exhibition mein not only from Maharashtra se hi nahi, balki ऑल ओवर इंडिया से, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं जहाँ से एंट्री नहीं आई. और अगर आप इस साल के अवार्ड्स की लिस्ट अगर देखी जाए, तो अवार्ड्स की लिस्ट में ऐसा ज़्यादातर स्टेट्स आए हैं. अगर नाम लिया जाए तो मथुरा, न्यू दिल्ली, बस्तर, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर, सूरत, बड़ौदा, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पर ये अलग अलग अवार्ड्स दिए नहीं गए हैं. और इतने बड़े पैमाने पे आज जो चित्रकार शिल्पकारों को जो एक इंस्पिरेशन मिलता है उनको, ये इतने बड़े पैमाने पे अवार्ड्स, ऐसी अभी आज भी ऐसी कोई संस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, आर्ट इंस्टीट्यूट, कि स्टूडेंट के लिए 18 अवार्ड्स और प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए 29 अवार्ड्स एंड 3 बिग स्कॉलरशिप्स. सो ये बढ़ता चला जा रहा है. इवन टुडे मे बी देर आर सो मेनी गैलरीज, बट वेन दिस आर्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड, Bombay Art Society started, there was not a single art gallery in the country. Today there are so many galleries, but still this exhibition has maintained its relevance even today. तो आज भी ये exhibition ने अपनी जो गरिमा है, अपना जो glitter है, और अपनी जो artist लोगों में एक ये होता है कि Bombay Art Society के exhibition में एक painting लगने का एक अलग ही उसका एक ये होता है, वो आज भी वैसा ही है. तो मैं यही कहूँगा कि इतने बड़े हर साल जो आर्टवर्क्स आ रहे हैं, एंट्रीज आ रही है, ये बढ़ रही है. और आज तो हमारे लिए, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए और भी अच्छा दिन है कि राज्यपाल महामहिम जी यहाँ पे आए. उन्होंने भी आर्टिस्ट लोग की सराहना की, उन्होंने अवार्ड्स दिए. और दूसरे हमारे मित्र पद्मश्री मनोज जोशी जी यहाँ पे है, जिन्होंने, ये खुद आर्टिस्ट है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से वो पास आउट है. हालाँकि वो अपने जो उन्होंने कर्मभूमि बनाई है, वो बॉलीवुड को बनाई है. हाँ, फिल्मों में ज़्यादातर उन्होंने काम किया है. हालांकि वो मैं सारे पोर्ट्रेट है वो सिल्वर स्क्रीन पे पेंट करता हूँ. वो कैनवास बन गया मैं. वो कैनवास बन गया. हालांकि डेफिनेटली बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ये भारत की पहली और बहुत ही पुरातन ऐसी कलाकारों की संस्था है, जो 137 साल पुरानी परंपरा है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की. और जैसा कि राजेंद्र पाटिल जी ने कहा कि परंपरा में जितने भी महानतम भारत के पेंटर्स हैं या जो विश्वविख्यात पेंटर्स हैं, चाहे रजा साहब हो, प्रभाकर कोलते साहब हो, मतलब एक परंपरा है. और वे भी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं. तो ये परंपरा अपने आप में एक महान परंपरा है कलाकारों के लिए.
तो कलाकारों के लिए मैं ऐसा कहूँगा कि कलाकारों की काशी है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एग्जीबिशन। ओके, तो इसमें एग्जिबिट होने के लिए अपने प्रदर्शनी में मेरा चित्र लगे, इसलिए 3000 एंट्रीज आती हैं, उसमें से 200 एंट्रीज सिलेक्ट करते हैं। और आज का विशेष भाग ये था कि हमारे मित्र थे उत्तम पाचारणी जी, भारत के बहुत ही सर्वोत्तम शिल्पकार थे, उत्तम शिल्पकार थे, और हमारे ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी थे, रहे हैं, हमारे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और बहुत ही अद्भुत कलाकार थे। उन्हें आज जीवन गौरव पुरस्कार दिया, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जीवन गौरव पुरस्कार देते हैं, वैसे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने ये भी तय किया। काफ़ी स्कॉलरशिप हैं, बेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके बाद में संगीता जिंदाल स्कॉलरशिप है, फिर संध्या मिश्रा स्कॉलरशिप है, ऐसी स्कॉलरशिप का भी आज वितरण किया गया। फिर प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स हैं, उनका भी, उनको भी पारितोषिक दिए गए, और स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब इसमें पार्टिसिपेंट होने वाला नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरे भारतवर्ष में से एंट्रीज आई हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, और गुजरात से लेके आसाम तक, त्रिपुरा तक, मतलब यहाँ से दक्षिण से लेके कश्मीर तक, सब लोग यहाँ पार्टिसिपेंट होने आए आज। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक तरह से एक छोटा कुंभ मेला ही है आर्टिस्टों का, ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज महामहिम, क्योंकि प्रथा है महामहिम राज्यपाल के हाथ से ही पारितोषिक दिए जाते हैं, तो वे भी आज आए थे, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि प्रदर्शनी के लिए सारे चित्रकारों को बड़ी दिक्कत होती है, तो आज उन्होंने भी एक बात प्रकर्ष रूप से कही कि इस ये जो दालन है जहांगीर आर्ट गैलरी का, जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरी प्रदर्शनी हो, ऐसा हर आर्टिस्ट जो है वो मन में अपने मस्तिष्क में स्वप्न जो है वो देखता है, लेकिन सबके भाग्य में वो आता नहीं है, क्योंकि 5-5 साल 7-7 साल तक ये गैलरी बुक रहती है। तो उन्होंने ये विचार भी आज रखा कि क्यों ना इस इमारत को बढ़ाया जाए और दालन खड़े किए जाए, ताकि काफ़ी सारे चित्रकारों को, शिल्पकारों को, और अलग अलग विधा के कलाकारों को यहाँ प्रदर्शनी करने के लिए सुविधा हो। ये बहुत अच्छा विचार आज हुआ। और दूसरा जो जीवन गौरव पुरस्कार है रूपधर नामक, वो जब अनाउंस हुआ तो पाचारिणी जी थे, लेकिन बहुत दुख की बात है हमारे बीच में वो नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार जन यहाँ आए थे, तो बड़ी खुशी हुई कि उन्हें ये जीवन गौरव पुरस्कार मिला, और आनंद की बात है। और मैं आज के इस सम्मान समारोह में मैं भी सम्मिलित रहा, ये भी मेरा सौभाग्य। थैंक यू। आई रियली फील कि इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। एंड थैंक यू बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, जो जहांगीर आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट सालों साल इंतज़ार करते हैं अपने आर्टवर्क्स लगाने का, वो हमें आपने इस माध्यम से दिया मौका, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और बाकी सारे आर्टिस्ट का वर्क बहुत ही बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। मैं जयपुर से मणि भारती है, और मैं कोलाज आर्टिस्ट हूँ, और मुझे खुशी है कि हाँ जहांगीर आर्ट गैलरी में हमारा काम प्रदर्शित हुआ, और मैं कम से कम 40 साल से कोलाज पेंटिंग बना रही हूँ, जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों से चिपका के उस पर बनाई जाती है। और कलाकारों के लिए ये ज़रूरी है कि जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित होना एक सपना होता है एक हर कलाकार के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मेरी कला प्रदर्शित हुई, और सब लोगों के सामने कोलाज मेरे देखने को मिले, बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने ये जो एग्जीबिशन करके आर्टिस्ट लोगों को प्रमोट करते हैं, वो अभी उनका 100+ ईयर हो गया है, और मैं स्टूडेंट था तब से मैं पार्टिसिपेशन करता रहा हूँ, और स्टूडेंट कैटेगरी के भी मुझे अवार्ड्स है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के, और इससे पहले
सिल्वर भी है प्रोफेशनल कैटेगरी का। अभी ये बहुत ही बड़ा सम्मान है मेरे लिए कि मेरे काम की मोटिवेशनल के लिए एक प्रेरणा मिलती है, उसी से हम अपना काम निखारते हैं। और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक सच्चे मन से अच्छे कलाकार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का हमेशा काम करते आई है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। I am Bharati Shah from Ahmedabad, born and brought up in Mumbai. I'm very happy to be here, always looking forward to working with Bombay Art Society and Jahangir Art Gallery, wo to mecca hai artists ka. So I'm very happy to be here ke mera painting select hua hai, I can participate with other fantastic artists from all over India. My work is very different from the other artists. I'm an abstract artist who is following cubism, which is a very 110 years old art form, which I do with a modern touch, with very Indian colors, bright colors, and I'm enjoying myself and always love to come here to Jahangir. It's like home to us. Like a temple to us. I'm very happy to be here. Thank you so much. मैं सर सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ और इतना ही खुश मेरे पेरेंट हैं जो मुझे आज अवार्ड मिला है। लेकिन द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ये एक बहुत ही रिप्यूटेड और एक सबसे ओल्डेस्ट सोसाइटी है जो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देती है और बहुत अच्छे से आर्टिस्ट को अपना वर्क यहाँ डिस्प्ले करने का मौका देती है। तो ऐसे में सभी आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और आर्टिस्ट बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मैं सभी आर्टिस्ट की तरफ से थैंक यू सो मच कहूँगा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए, और आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू।